नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताएंगे जिसके बारे में पूरा समाज तो जानता है, पर इसे कहीं ना कहीं जानने समझने के बाद भी इसे दरकिनार कर दिया जाता है। शुरुआत आज एक सच्ची घटना से करते हैं। महाराष्ट्र में कंजर घाट नाम का एक समुदाय है। इनमें एक प्रथा है जिसमें शादी के बाद जब दुल्हा दुल्हन सुहागरात मनाने कमरे में जाते हैं तो उनके बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछा दी जाती है। यह इसलिए ताकि अगर दुल्हा दुल्हन शारीरिक संबंध बनाए तो ये जांचा जा सके कि दुल्हन को ब्लीडिंग हुई या नहीं, यानी वो वर्जिन है या नहीं। सोचिए, ये प्रथा आज भी चली आ रही है। दरअसल दुल्हन की वर्जिनिटी पक्की करने का वो लोग एक ही तरीका जानते हैं और वो है पहली बार शारीरिक संबंध बनाने पर ब्लीडिंग होना। अगर ब्लीडिंग ना हो तो शादी टूट जाती है। ऊपर से लड़की और उसके परिवार की बदनामी अलग होती है। अगर लोगों को अपनी इज्जत और शादी बचानी है तो उन्हें पंचायत को अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। यह सिर्फ कंजर घाट समुदाय में नहीं होता, पब्लिक में ये बात गहरी पैठ बनाए हुए है कि वर्जिनिटी का मतलब हाइमन या पतली सी झिल्ली होती है। इसे लड़के की इज्जत से उसके चरित्र से जोड़कर देखा जाता है। शायद इसी वजह से दिल्ली NCR के क्लिनिक में भी कुछ इसी तरह के ऐड दिए जाते हैं। हम जिस ऐड की बात कर रहे हैं उसमें हाइमेनोप्लास्टी का ऐड दिया गया है, यानी आपकी फटी हुई झिल्ली को वापस जोड़ने की सर्जरी। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अपनी अरेंज्ड मैरिज को अफेक्ट करने का मौका अपने पास्ट को ना दे, यानी कि अगर आपने पहले सेक्स कर लिया है और आप नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि आप कथित रूप से कुंवारी नहीं है तो चुपचाप आकर ये सर्जरी करा लें। जिस हॉस्पिटल ने ये ऐड दिया हमने वहाँ पर बात करने की कोशिश की और जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर इस क्लिनिक ने ये ऐड क्यों दिया, उनके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं। लेकिन बार बार फ़ोन करने पर भी यही जवाब दिया गया कि लोग मशरूफ हैं, बाद में फ़ोन कीजिए वगैरह वगैरह। खैर, ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि हाइमेनोप्लास्टी क्या होती है। ऑपरेशन के दौरान एक तो बचा हुआ हाइमन इस्तेमाल किया जाता है, उसे वापस स्टिच लगाकर सिल दिया जाता है। दूसरा, इसमें जिलेटिन की कैप्सूल इस्तेमाल की जाती है जिसमें लाल रंग भरा होता है और इंटरकोर्स के दौरान वो फट जाती है ताकि पति को लगे कि पत्नी ब्लीड कर रही है और सब कुछ सही है। तीसरा, वजाइना के फ्लैप्स का इस्तेमाल करके हाइमन ठीक किया जाता है। इसे ठीक होने में समय लगता है। इसमें कम से कम 3 महीनों तक शारीरिक संबंध बनाने से बचने की सलाह दी जाती है। सारा पैटर्सन ब्राउन अपने आर्टिकल एजुकेशन अबाउट द हाइमन इज नीडेड में लिखती हैं कि मैंने अपनी 41 महिला कलीग से इस बारे में पूछा। 34% को अपने पहले शारीरिक संबंध के दौरान ब्लीडिंग हुई, 63% को बिल्कुल नहीं हुई और 1% को इस बारे में कुछ याद नहीं। फिर भी हाइमन को लेकर क्रेज बना दिया गया है और ये कोई नई बात नहीं है। 1865 में ज्यूइस ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन जैकब पोलैक इराक के राजसी दरबार में काम करते थे। उन्होंने बताया कि कुछ दूल्हे हाइमन को लेकर दुल्हन के परिवार को ब्लैकमेल करते थे और उनसे मोटा दहेज मांगते थे। अमीर परिवार वाले लोग अपनी बेटी को बच्चा पैदा करने वाली दाई के पास ले जाते थे और वो चेकअप कराने के बाद बता देती थी कि लड़की वर्जिन है या नहीं, और इस बात का पता चलते ही परिवार के लोग हाइमन को सिलवा देते थे। यानी ये घटिया प्रथा कोई नई नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की के हाइमन से खून आए ही। जैसा कि सभी जानते हैं कि ब्लीडिंग ना होने की कई वजहें हो सकती हैं। कुल मिलाकर कहें तो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट अपने आप में बेहद पुराना और परेशान कर देने वाला है। शादी के पहले सेक्स के साथ जुड़ा टैबू नुकसान सिर्फ लड़कियों को नहीं पहुंचाता, लड़कों को भी बराबर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसकी सजा सिर्फ लड़कियां भुगतती हैं। लड़कियों ने सेक्स किया या नहीं इस बात से उसका पूरा चरित्र तय कर दिया जाता है। भले ही वो कितनी भी काबिल, कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो, भले ही एक पत्नी के तौर पर वो कितने ही समझदार हो, चरित्र पर लांछन से बचने के लिए लड़कियां इस हद तक जाने को तैयार हो जाती है कि खुद को दोबारा वर्जिन बनाने की कोशिश करती है। सिर्फ खुद को साबित करने के लिए सर्जरी की टेबल तक पहुंच जाती है। अपनी बजट के जरूरी पैसे
खर्च करने को भी तैयार हो जाती है, क्योंकि समाज की बुद्धि के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं और बाजार पैसे कमाने के लिए हम औरतों को रूढ़िवाद के गटर में धक्का देकर खुद को विजयी महसूस करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।